हेलो फ्रेंड्स, 2024 में ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर में एडमिशन लेने के लिए आप सभी को कितनी रैंक और परसेंटाइल चाहिए जेई मेंस में, इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊंगा आप सबकी कैटेगरीज की, चाहे जनरल स्टूडेंट्स हो गए, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, सभी के लिए। और यहाँ पर जितने भी प्रोग्राम्स हैं ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर में, सबके लिए बताऊंगा, चाहे कोई भी ब्रांच हो गई या प्रोग्राम जिनके अंदर जेई मेंस के थ्रू एडमिशन होता है। और काफ़ी डिसेंट ये कॉलेज है, थोड़ा बहुत इसके बारे में भी बताऊंगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो सबसे पहली ब्रांच है ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर में, वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। और ध्यान देना है, ये ट्रिपल आईटी कैटेगरीज में नहीं आता, ये जीएफटीआई कैटेगरी में आता है। मैं आपको बताऊंगा क्यों। साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें कोटा एआई यानी कि ऑल इंडिया, यहाँ पर एनआईटी होता तो एचएस या ओएस देखने के लिए मिलता, होम स्टेट या अदर स्टेट, बट यहाँ पर ये ट्रिपल आईटी है और जीएफटीआई है, इसके अंदर एनआईटी होम स्टेट कोटाज नहीं होता है एनआईटीज के जैसा। सी टाइप ओपन यानी कि जनरल स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो 27,000 रैंक चाहिए आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए। बट अगर परसेंटाइल में कैलकुलेट करें तो अभी बताना सही नहीं है, बट आप चाहते हो इसलिए बता रहा हूँ, ये अप्रॉक्स आपका 98.2 परसेंटाइल के अराउंड बनेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो रैंक तो इतनी रहेगी, परसेंटाइल का आपको आइडिया लग रहा होगा। पीडब्ल्यूडी 888 कैटेगरी रैंक है, इस बात का ध्यान देना है, तभी ये जनरल से इतनी हाई है। कैटेगरी रैंक के अंदर क्या होता है ना, सिर्फ कैटेगरी कैंडिडेट्स ही काउंट होते हैं, आपको आपकी कैटेगरी का बेनिफिट मिल रहा है। सेम ईडब्ल्यूएस में 4700, फिर यहाँ पर देख सकते हो आप सब ओबीसी, फिर देख सकते हो ओबीसी में 10,000 कैटेगरी रैंक है। परसेंटाइल की बात करें तो 98 से लेकर 97.9 पे भी आपके चांसेस है मिलने के। एससी देख लो, एसटी देख लो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट ब्रांच, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। देखो यहाँ पर वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग था, ये कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सीएसई है। ये थोड़ी सी बेटर होती है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत सेम है, 19-20 का ही बस डिफरेंस है। यहाँ पर 23,000 पे आपको देखो इसकी कट ऑफ भी थोड़ी हाई देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि थोड़ा सा बेटर यहाँ पर आप, बाकी सब कुछ सेम ही है। परसेंटाइल की यहाँ बात करें तो यहाँ पर आपको 98.5 परसेंटाइल तक आपको सीएस मिल जाएगा, जो कि काफ़ी सही ऑप्शन है। बट यहाँ पर ये ट्रिपल आईटी कैटेगरीज में नहीं आता, ट्रिपल आईटी इस कैटेगरी में वही कॉलेज आते हैं जिनका फुल फॉर्म स्टार्ट होता है इंडियन इंस्टीट्यूट से, बट ये इंडियन इंस्टीट्यूट नहीं है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर मैं आपके डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर देख लो पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ओबीसी की बात करें 9900 कैटेगरी रैंक है। परसेंटाइल यहाँ पर देख लो 98 से लेकर 98.2 परसेंटाइल के बीच में रहेगी। तो यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसा कंप्यूटर का था वैसा इसी का है। बाकी आप जिस भी ब्रांच या कैटेगरी का देखना चाहते हो अच्छे से स्टॉप करके देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रिपल ई ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, 33,000 पे आपका हो जाएगा, यानी परसेंटाइल की बात करें तो 97.8 से लेकर 97.9 पे भी चांसेस हैं। इस साल बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। देखो परसेंटाइल में यहाँ पे जनरल और ओबीसी की बता रहा हूँ, रैंक बाकी आप सबकी देख सकते हो स्क्रीन पर। ओबीसी यहाँ 13,000 है, परसेंटाइल की बात करें 97.5 पे भी आपके चांसेस हैं, 97.4 पे भी चांसेस हैं आपके, तो काफ़ी सही ऑप्शन ये बन जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड, यहाँ पर ऊपर देख सकते हो टेली कम्युनिकेशन, वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स था, ये टेली कम्युनिकेशन है। इसके अंदर जनरल को 31,000 चाहिए, तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ी सी हाई कट ऑफ है, तो 98 से लेकर 97.9 टाइल तक आप लेके चलो। सेम यहाँ पर देख सकते हो ओबीसी 13,000 है, तो सेम उतना ही उसका भी 13,000 के अराउंड था, तो थोड़ा बहुत 0.1 परसेंटाइल का डिफरेंस रहने वाला है। सेम यहाँ पर देख सकते हो एससी एसटी। आईटी की बात करें यहाँ पर 27,000, तो देखो सब इसी में है, 27, 30, 33, क्योंकि यहाँ पर टॉप ब्रांचेस ही देखने के लिए मिलती हैं ट्रिपल आईटी में, काफ़ी डिसेंट है, इतना टॉप का भी ट्रिपल आईटी नहीं है, इस बात का ध्यान देना, बट काफ़ी अच्छा है, इसकी प्लेसमेंट मैंने कर रखी है। ओबीसी 10,000 कैटेगरी रैंक है, सेम वही है, देख लो 98 परसेंटाइल पे आपके चांसेस हैं। सो यहाँ पर हमारे इतने ही ब्रांचेस थे। ओवरऑल यार देखो, जेई एडवांस का इस साल जो एग्जाम होगा वो काफ़ी जल्दी होगा लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, ड्यू टू इलेक्शंस, तो इस बात का ध्यान देना है आपको, और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है जेई एडवांस की। सो सभी के लिए ऑल द बेस्ट। और यहाँ पर वीडियो पसंद आई या इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं डेली लेके आता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना करो। इसीलिए कुछ भी पूछना है बताना हो कमेंट्स में पूछो, या फिर इंस्टाग्राम पर भी, मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी।